देखिए ये पुलिस महानिरीक्षक मेरे जोन की तरफ से एक अभियान चला था इनामियों की गिरफ्तारी के संबंध में, जिसमें जो इनामी बदमाश अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनके संबंध में निर्देश जारी हुए थे कि प्रत्येक इनामी बदमाश को उसी थाना क्षेत्र के एक सिपाही के नाम कर दिया जाए, वो सिपाही उसकी प्रॉपर पता रसी सुराग रसी करे, उसके संबंध में सूत्र इकट्ठा करें और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराए। ये जिम्मेदारी और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर दी गई है। और इस पर्टिकुलर इनामिया के लिए, जिसका कि नाम अजय उर्फ टिटू है, इसकी गिरफ्तारी के लिए भी थाना सदर बाजार क्षेत्र का राकेश राणा नाम के कांस्टेबल को लगाया गया था और इसका बाकायदा डोजियर तैयार करा करके और पूरा मेथोडिकल तैयारी कराई गई थी कि इसको किस तरीके से पकड़ा जा सकता है। उसी सिलसिले में आज सुबह इसको रुवेद बस अड्डे के पास से अजय टीटू को गिरफ्तार किया गया है, जो कि 2007 के एक 363-366 के मुकदमे में, मुकदमा संख्या 868 के संबंध में फरार चल रहा था और इसकी 9 साल बाद गिरफ्तारी हुई है। और इस पर 5,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से घोषित था। तो ये अच्छा काम हुआ और 9 साल बाद एक इनामी अपराधी पकड़ा। आगे भी सिलसिला का अभियान जारी रहेगा? जी हाँ बिल्कुल, वो सारे डोजियर्स बराबर हम लोग स्टडी करते हैं और वीकली स्तर पर उनकी समीक्षा करते हैं कि किस इनामिया को गिरफ्तार करने के लिए अब क्या प्रगति चल रही है।